हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं CZMOS के बारे में। सो CZMOS का एक नया वर्जन अवेलेबल हुआ है जिसका नाम है 3.3। एंड्रॉयड 11 के साथ ऑफिशियल बिल्ड है रेमी नोट 7S लेवेंडर के लिए। एंड यहाँ पर हमने ऑलरेडी उसे इंस्टॉल कर लिया है CZMOS 3.3 बिल्ड को। सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद चलते हैं अबाउट फोन के अंदर एंड यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन के अंदर। सो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो CZMOS का जो बिल्ड है 3.3 ऑफिशियल बिल्ड है एंड्रॉयड 11 के साथ हमें देखने को मिला है लेवेंडर के लिए। 5th अप्रैल 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। जो कर्नल यूज किया गया है, नेक्सस कर्नल यूज किया गया है। देखने वाली बात होगी CZMOS के अंदर नेक्सस कर्नल के साथ कितना अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं CZMOS के 3.3 बिल्ड के अंदर नया क्या ऐड किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सिस्टम के अंदर Xiaomi पार्ट्स देखने को मिल जाती है। सो Xiaomi पार्ट्स जो है इस बार ऐड करके दिया गया है। यहाँ पर हमें डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप रेड, ग्रीन, ब्लू सैचुरेशन वैल्यूज को जो है यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, बट सैचुरेशन का जो ऑप्शन है हमें बंद देखने को मिलता है। ग्रे स्किन डिस्प्ले का भी ऑप्शन यहाँ पर डाल दिया गया है, अगर आप चाहो तो इसे आप यूज करके देख सकते हो। एंड उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें FPS इन्फो वाले का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। रियल टाइम जो FPS है हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमें जो वाइब्रेशन फीडबैक का भी ऑप्शन डाला गया है। यहाँ पर परफॉर्मेंस प्रोफाइल भी डाल दिया गया है, नॉर्मल, गुड परफॉर्मेंस, बैटरी सेविंग एंड मैक्स परफॉर्मेंस डाला गया है गेमिंग के लिए। एम्बेडेड डिस्प्ले गेस्चर्स भी डाल दिया गया है, यहाँ पर आप एम्बेडेड डिस्प्ले गेस्चर्स को भी यूज करके देख सकते हो। यहाँ पर आपको डायरेक्ट साउंड का भी एनहाइजर देखने को मिल जाती है, जो MI साउंड एनहाइजर है वही दोस्तों हमें देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया है। यहाँ पर आप हेडफोन टाइप को भी चूज कर सकते हो, अलग अलग हेडफोन टाइप को यहाँ से आप चूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो इक्वलाइजर है वो भी हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें हाई परफॉर्मेंस मोड भी देखने को मिलता है, हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन, ईयरपीस गेन, स्पीकर गेन का भी ऑप्शन डाल दिया गया है। यहाँ पर जो USB फास्ट चार्जिंग हो गया हमें देखने को मिल जाती है। 3.0 पोर्ट के साथ आप 900mAh के अंदर चार्ज कर सकते हैं। स्मार्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर डाल दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो एम्बेडेड स्क्रीन का ऑप्शन है उसे इम्प्रूव करके दिया गया है। यहाँ पर जो Xiaomi के पार्ट्स के अंदर डुप्लीकेट ऑप्शंस था, परमिशन था, उसे हटा दिया गया है। जो डोर्स हमें देखने को मिलता था डोर्स, उसे हटा दिया गया है। एज वेल दोस्तों यहाँ पर जो सिस्टम परफॉर्मेंस है इस रॉम का, उसे भी इम्प्रूव करके दिया गया है। एंड ये जो रॉम है अभी फिलहाल HMP के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, HMP जो कर्नल है उसके लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो साउंड एंड माइक्रोफोन है उसे इम्प्रूव करके दिया गया है CZMOS के 3.3 बिल्ड के अंदर। यहाँ पर वाइपर फॉर एंड्रॉयड जो मॉड्यूल है उसको कंफर्टेबिलिटी के लिए इम्प्रूव करके दिया गया है, उसके लिए दोस्तों तैयार करके दिया गया है। एज वेल दोस्तों यहाँ पर जो रैम यूजर्स है उसे इम्प्रूव किया गया है जब आप कैमरा को यूज करते हो। बाय द वे आपको बाय डिफॉल्ट जो कैमरा यूजर इंटरफेस है दोस्तों गूगल कैमरा गो देखने को मिलता है। सो आपको गूगल कैमरा गो बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाती है, ऐसे यहाँ पर देख ही पा रहे हो 1.1 वर्सन है। सो गूगल कैमरा गो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो काफी बढ़िया है। पोर्ट्रेट मोड भी यहाँ पर डाल दिया गया है, यहाँ पर वीडियो भी है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर इवेंट जो ट्रांसलेट का भी ऑप्शन डाल दिया गया है। सो गूगल कैमरा गो बाय डिफॉल्ट हमें देखने को मिलता है। गूगल कैमरा गो को यूज करने के दौरान आपको जो रैम यूजेस है उसे भी दोस्तों इम्प्रूव करके दिया गया है, जो काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर जो अडेप्टिव स्लीप है उसे इनेबल करके दिया गया है, सो ये काफी बढ़िया बात है। एंड स्मार्ट चार्जिंग को भी फिक्स करके दिया गया है, क्योंकि लास्ट बिल्ड के अंदर जो स्मार्ट चार्जिंग है उसे ढंग से काम नहीं कर रहा था, जिसे अभी फिलहाल फिक्स करके दिया गया है। अगर बात करें उसके बाद बैटरी बैकअप की, ऐसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर हमने 8 आवर्स को चार्ज किया था, 16 मिनट के लिए जो फोन का स्क्रीन ऑन हुआ था, मतलब 16 मिनट मैंने फोन की यूज किया एंड जो बैटरी है उसमें 92% के आसपास है। नॉर्मली उस तो आइडियल मोड के अंदर ही था। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख ही पा रहे हो 8 आवर्स को मैंने चार्ज किया था 17% और 16% की वजह से, तो लगभग 8% का बैटरी ड्रॉप हुआ है आइडियल मोड के अंदर। सो बैटरी बैकअप जो है काफी बढ़िया है इस रॉम का, ज्यादा बैटरी ड्रॉप नहीं होता। इवन आपका फोन आप चार्ज करके छोड़ दोगे फिर भी आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप देने को मिलेगा, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं जो CZMOS है इसके इस 3.3 बिल्ड के अंदर ऑडियो के अंदर 24 बिट का सपोर्ट डाल दिया गया है। यहाँ पर जो हेडफोन जैक के अंदर अगर आप फिजिकल बटन देखने को मिलता है वो अभी काम करना स्टार्ट कर जाएगा, उसे इस बिल्ड के अंदर ऐड करके दिया गया है। इसके साथ साथ अच्छी बात है, अगर आप नेटफ्लिक्स यूज करते हो तो नेटफ्लिक्स के अंदर जो सिक्योरिटी लेवल L1 है उसे डाला गया है, तो आप नेटफ्लिक्स के अंदर फुल HD कंटेंट को स्ट्रीम कर सकते हो इस रॉम के अंदर, जो काफी बढ़िया बात है हमें यहाँ पर देखने को मिला है। एंड यहाँ पर जो वाईफाई डिस्प्ले है
वाईफाई डिस्प्ले को भी फिक्स कर दिया गया है। जो कास्ट स्क्रीन है वो भी काम कर रहा है इस बिल्ड के अंदर। एंड जो शाओमी बड्स का आइकॉन है वो भी हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। शाओमी बड्स का जो आइकॉन इसे हटा दिया गया, देख पा रहे हो, इसे इंप्लीमेंट करना बाकी है, जो इंप्लीमेंट हो जाएगा। एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के दौरान जो लैग होता था उसे भी फिक्स कर दिया गया। अभी अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो दोस्तों, कोई भी लैग हैंग कुछ भी देखने को हमें यहाँ पर नहीं मिलता, जो ये काफ़ी बढ़िया बात है। आप आराम से जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो कर सकते हो, आपको कोई भी लैंग हैंग कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, जो ये काफ़ी बढ़िया बात है। सो बहुत सारी चीज़ 3.3 बिल्ड के अंदर फिक्स करके दिया गया है, इम्प्रूव करके दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। नाउ दोस्तों बात कर लेते हैं अपना रेवनोट 7 के लिए क्या क्या चेंजेस किया गया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें अप्रैल का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाती है। उसके बाद क्या होता था, लास्ट 3.1 का जो बिल्ड है उसको मैंने रिव्यू किया था। उस बिल्ड के अंदर क्या होता था, मान लेते फोन आप बंद कर रहे हो, ऑटोमेटिकली फोन का जो लाइट है ऑन हो जाता था। सो जो रैंडम वेकअप का इशू है लोकेशन के अंदर उसे फिक्स करके दिया गया है। जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर लैग का इशू था वीडियोज़ के अंदर एंड उसे फिक्स कर दिया है, ऐसे मैंने बोला था। एंड लैंडस्केप मोड के अंदर नेविगेशन बार के इशू हमें देखने को तो मिल जाता था, उसे भी फिक्स करके दिया गया है। एंड जो स्मार्ट पिक्सल करके जो ऑप्शन था, जो कि एलसीडी स्क्रीन के लिए कोई भी काम का नहीं है, मेनली एमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन के लिए है, उसे रेडमी नोट 7 से हटा दिया गया है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो कट फोर्स फुल स्क्रीन ऑप्शन है उसको ऐड करके दिया गया है। जो अपना क्लॉक है देख लीजिए दोस्तों, बड़ा ही पुराना वाला क्लॉक है, हमें देखने को मिल जाती है, बट हमें यहाँ पर नया जो लॉक स्क्रीन क्लॉक है वो देखने को मिलता है, एक नया लॉक स्क्रीन क्लॉक जिसके जिसका एक्सेस हमें डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर वैसे ओके थीम के अंदर है क्या, ओके स्टाइल्स एंड ऑल्पर के अंदर। एंड यहाँ पर जो है हमें क्लॉक देखने को मिलता है, एज क्लॉक आप देख पाओगे इस फनी करके, एज क्लॉक इसे ऐड करके दिया गया है इस बिल्ड के अंदर। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन को डाल दिया गया है जिसके साथ आप ऐड बार रिमूव कर सकते हो क्विक सिटिंग स्टाइल्स को एक क्लिक करके। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो ऑक्सीजन वाइज स्टाइल है यहाँ पर क्लियर ऑल बटन देखने को मिल जाती है। यानी इसका जो यूआई है दोस्तों ये देख पाओगे थोड़ा बहुत दोस्तों ऑक्सीजन वाइज से नहीं मिल खाता है दोस्तों, डिफरेंट है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो बैटरी सेवर है वो भी यहाँ पर डाल दिया गया है। आप दोस्तों जो बैटरी सेवर है उसे भी यूज़ कर सकते हो, ये देखो इसे भी इम्प्लीमेंट किया गया है बैटरी सेवर को, एंड जो काफ़ी बढ़िया है, ये भी दोस्तों नहीं था। एंड बढ़िया है भाई, सब नो इशू एट ऑल, आपको बढ़िया काम करेगा। एंड यहाँ पर सबसे पहले जो बैटरी सेवर उसे बंद करते हैं। एंड सेटिंग्स मेनू के अंदर ये जो आप सर्च बार देख पाओगे दोस्तों एंड्रॉइड 11 से उठाया गया है, सो आपको नया एंड्रॉइड 12 से उठाया गया है, सो आपको एंड्रॉइड 12 का सर्च बार देखने को मिल जाएगा, सो इसे डाल दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ब्लर है वो भी आप देख पाओगे, यहाँ पर हमें डिस्प्ले के अंदर ब्लर भी देखने को मिलता है जिसे आप बंद कर सकते हो डिस्प्ले के अंदर जाके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ब्लैक का जो ऑप्शन है वो हम डिस्प्ले के अंदर से बंद कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो है ऑप्शन देने को नहीं मिल रहा है। पॉकेट डिटेक्शन टैप टू वेकअप का भी ऑप्शन देने को मिल जाती है, फुल स्क्रीन ऐप का भी ऑप्शन देने को यहाँ पर मिल गया है। सो एक काफ़ी सारी चीज़ ऐड करके दिया गया है एंड काफ़ी सारी चीज़ को फिक्स करके दिया गया है इस बिल्ड के अंदर। बाय द वे हमें नया वॉलपेपर कलेक्शन भी देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। देखिए पारो बहुत सारी नया नया जो वॉलपेपर्स है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है इस रॉम के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ये सभी को 3.3 बिल्ड के अंदर ऐड करके दिया गया है, देख लीजिए। सो काफ़ी बढ़िया है भाई सब, नया जो वॉलपेपर्स है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। एंड वॉल्यूम पैनल की बात करो दोस्तों, वॉल्यूम पैनल आप देख सकते हो नॉर्मल वॉल्यूम पैनल है दोस्तों। एंड बाय डिफॉल्ट दोस्तों ये जो रिबूट ऑप्शन है सिस्टम रिकवरी बूटलोडर, ये दोस्तों इनेबल नहीं होता है। आपको सेटिंग्स में जाके यहाँ पर सिस्टम में जाके उसके बाद गेस्चर्स के अंदर पावर मेनू के अंदर जाके यहाँ पर जो एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन है उसे इनेबल करना पड़ेगा, तभी दोस्तों काम करेगा। एंड यहाँ पर हमें कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाती है इस रॉम के अंदर, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी यहाँ पर अब जो अपडेट है उसे भी आप चेक कर सकते हो, ओटी अपडेटर को भी डाल दिया गया है, रेडियो एक्टिव ट्विक डाला गया है। यहाँ पर हमें स्टेटस बार देखने को मिलता है, यहाँ पर आप आइकॉन्स को देख सकते हो, कौन कौन आइकन को कौन कौन से आइकन को डालना चाहते हो आप देख पाओगे। यहाँ पर 4G आइकन को डाल पाओगे, बैटरी इंडिकेटर है, उसके बाद डबल टैप टू स्लीप है, ट्रैफिक इंडिकेटर भी देखने को मिलता है। लॉक स्क्रीन की अगर बात करूँ, जो ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन होता है उसे आप डिसेबल कर सकते हो, ईयर वाइब्रेशन को डिसेबल कर सकते हो, आठ वॉक है, डबल टैप टू स्लीप हमें देखने को मिलता है। UI ट्यूनर की अगर बात करूँ तो ये चार ऑप्शन देने को मिल जाती है UI ट्यूनर के अंदर। आप जो सेंटर नोटिफिकेशन हेडर है उसे आप डाल पाओगे। एंड यहाँ पर आपको चार्जिंग लाइट, वाइब्रेशन ऑन, कनेक्ट, डिसकनेक्ट, वेटिंग का ऑप्शन देने को मिलता है।
बैटरी की अगर बात कर लो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑटो इनेबल बैटरी सर्व मोड देखने को मिल जाती है, नेविगेशन एंड बटन्स के अंदर ये ऑप्शन देखने को मिलता है। ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर नहीं डाला गया है, ज़्यादा कस्टमाइजेशन भी यहाँ पर नहीं डाला गया है, बट जो भी है जैसे भी है ऐसे ही हमें देने को मिल जाती है। एंड सिक्योरिटी अगर बात करो दोस्तों, फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक हमें देने को मिल जाती है, ऐप अनलॉक हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करो फिंगरप्रिंट की, तो टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया, स्पीकर से ट्राई करके देखते हैं। सो टैप किया ओपन हो गया, टैप किया ओपन हो गया, सो फिंगरप्रिंट बढ़िया काम कर रहा है। नाउ फेस अनलॉक ट्राई करके देखते हैं। ओके, शायद इस एंगल से एक बार फेस अनलॉक को डालना पड़ेगा, तभी बढ़िया तरीके से काम करेगा। सो फेस अनलॉक हम डाल लेते हैं जल्दी से। सो फेस अनलॉक को आपने डाल दिया है इस एंगल से, नाउ देखते काम करते नहीं। ओके, काम कर गया। सो फेस अनलॉक पर्टिकुलर एंगल से काम करते हैं दोस्तों, सभी एंगल से काम नहीं करता है। एंड पहले भी मैंने डाला था अभी दोस्तों, तब काम नहीं कर रहा था, बट अभी हमें इस एंगल से डाला, अभी बराबर काम कर रहा है, जो काफी बढ़िया बात है। सो यहाँ पर दोस्तों कस्टमाइजेशन क्या क्या था सबको मैंने बोल दिया, बैटरी बैकअप के बारे में बोल दिया, वाईफाई ब्लूटूथ हॉटस्पॉट सब कुछ काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल, देख पा रहा हूँ कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ दोस्तों पर बात कर लेते हैं कैमरा टेप के बारे में। सो लेवल 3 का सपोर्ट दिया गया है, गूगल कैमरा को आराम से यूज कीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं है। गीकबेंच की अगर बात करूँ भाई, सब गीकबेंच का जो टेस्ट है मैंने बहुत दफा करने की कोशिश किया, बट गीकबेंच जो है हमारा क्रैश कर जा रहा है हर टाइप दोस्तों। गीकबेंच जो है 60% 70% 69% होने के बाद क्रैश कर जाता है। सो ये इशू मैंने देखने को मिला है स्टॉर्म के अंदर, बट कोई बात नहीं, हमने जो है सीपू 13 टेस्ट ट्राई करके देखा था। सीपू 13 टेस्ट का जो रिजल्ट है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सो यहाँ पर देखिए, 15 मिनट के लिए हमने किया था, 155 मैक्स एवरेज है, 143 मिनिमम है, 126 87% का हमें 13 देखने को मिला है। सो जैसे कि आप ग्राफ के अंदर देख पाओगे, जो परफॉर्मेंस है काफी स्टेबल है, काफी बढ़िया है। नेक्सस कर्नल हमें देखने को मिलता है, इसलिए बेसिकली जो परफॉर्मेंस है एकदम टॉप नॉच, एकदम बढ़िया देखने को मिल जाती है, कोई भी शिकायत वाली बात नहीं है आपको, एकदम माने फट क्या कहते हैं, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाती है नेक्सस कर्नल के साथ। एंड CGMOS 3.3 के अंदर बहुत सारी फिक्स करके दिया गया है, बहुत सारी इंप्रूवमेंट करके दिया गया है। एंड डेफिनेटली दोस्तों सबको ट्राई करके देखना चाहिए आपके डिवाइस के ऊपर। एंड यहाँ पर जो मैजिक इसके है वो भी हमने इंस्टॉल किया है, हमारे पास रूट एक्सेस भी है। एंड यहाँ पर जो मैजिक हाइट उसे हम इनेबल कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सेफ्टी नेट के साथ, देख लेते हैं जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा काम करेगा नहीं। एंड वही सब ओपन ही नहीं हो रहा है, जल्दी से फ़ोन को जो है एक बार शायद रिबूट कर लेना होगा, रिबूट कर लेते हैं। सो जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर जो सेफ्टी नेट है पास हो गया है, इसका मतलब है जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा, यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन होगा, फोनपे गूगल पे इस तरह के एप्लीकेशन स्टॉम के अंदर बढ़िया तरीके से काम करेगा, आपको सिर्फ मैजिक हाइट को एनेबल कर देना होगा। सो ये जो CGM का 3.3 बिल्ड है काफी बढ़िया है, काफी इंप्रूवमेंट, काफी बग फिक्सेस, काफी सारी चीज के साथ हमें देने को मिलता है। डेफिनेटली दोस्तों स्टॉम को ट्राई करके देखना चाहिए। एंड अच्छी बैटरी बैकअप, अच्छी परफॉर्मेंस, एंड थोड़ा बहुत दोस्तों आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन देने को मिल जाती है CGM के 3.3 बिल्ड के अंदर। होपफुली इस तो ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।